तो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से। तो आज हम गए हैं उदयपुर गोलू देवता के मंदिर में। तो आज हम आपको उदयपुर गोलू देवता जी के दर्शन कराएंगे। और जो आप ये प्रांगण देख रहे हैं अभी, हम यहाँ पर, ये वो प्रांगण है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष उदयपुर में मेला लगता है और यहाँ पर दुकानें छजी रहती है। लेकिन अभी यहाँ पर मेले का टाइम नहीं है, सॉरी। तो आज यहाँ खाली खाली लगेगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला ज़रूर लगता है। आप यहाँ ज़रूर विजिट करें एक बार। लोध घाटी के अंतर्गत यह मंदिर पड़ता है। आप भतौरा से भी आ सकते हैं और लोध से भी यहाँ को आ सकते हैं। तो आइए आपको गोलू देवता जी के प्रांगण में ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। इस समय हम हैं गोलू देवता मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर गोलू देवता मंदिर में एक मेला भी लगता है, आपको हमने पहले बताया था। और ये जो आप पूरा प्रांगण देख रहे हैं, इसमें पूरा भीड़ लगी रहती है, खचाखच भरा रहता है। और साथ ही भक्तगण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये चारों ओर आप प्रांगण देख सकते हैं। ये गोलू देवता जी का मंदिर है, उदयपुर गोलू देवता मंदिर। और ये पूरा प्रांगण उदयपुर गोलू देवता मंदिर का। चारों ओर का दृश्य एक बार हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा अंदर ले जाके आप दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं आप, अगर आपको यहाँ विजिट करना है तो आप लोध घाटी से भी यहाँ आ सकते हैं और पसौरा से भी यहाँ आ सकते हैं। तो आइए आपको अंदर की ओर दिखाते हैं गोलू देवता मंदिर। आइए आप सभी भक्तगणों को एक बार मंदिर प्रांगण का एक चक्कर लगा के आते हैं। पूरा एक परिक्रमा हम इसकी पूरी करते हैं। जो ये गेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गेट है भतौरा, मैनारी इत्यादि गांव से आप यहाँ से आ सकते हैं। यानी बिंता, भतौरा इत्यादि, अगर उधर से आप आएंगे तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से आ भी सकते हैं। तो और एक रास्ता लोध का भी है, लोध का रास्ता उस साइड से है, अभी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे उस साइड से लोध का रास्ता। और ये रास्ता है, आपको बताया मैंने, बिंता और भतौरा का। मंदिर प्रांगण के चारों ओर आप देख सकते हैं यहाँ पुष्प लगाए हुए हैं, जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को और बढ़ा रही है। और चारों ओर देख सकते हैं पुष्प से यहाँ चारों ओर कितना शानदार दृश्य, यहाँ गोलू देवता मंदिर उदयपुर का कितना प्यारा यहाँ लगता है। और चारों ओर ये पुष्प इनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। साथ ही ये देख सकते हैं यहाँ से प्रांगण कैसा दिखता है और गोलू देवता का मंदिर कैसा दिखता है, आप देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक धन्यवाद। आप सभी का प्यार स्नेह बना रहे। जय गोलू देवता महाराज।